वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित, 21 जून 2023 से संबंधित जितने भी करंट के प्रश्न बन रहे हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियन और SDATWSF स्क्वैश विश्व कप का चैंपियन बन चुके हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ कमांडर बन चुका है। और अन्य प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो 21 जून 21 दिन को क्या बनाया जाता है? विश्व योग दिवस बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि योग से ही, ये देखो, योग कर्मशु कौशलम, तो योग क्या है? हमारे कर्म का कौशल है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। कल के क्वेश्चनों की हम रिवाइज करते हैं। पहले, भारतीय राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए शुभंकर मोगा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। ये जो 37वें संस्करण के राष्ट्रीय खेल होंगे उनका शुभंकर लोगो लॉन्च किया गया है, मोगा। ये याद रखना, आपको इसका नाम है मोगो, ठीक है। हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंट कप का खिताब जीता था? तो भारत ने जीता था ये। जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर है? तो हरवान श्रीनगर, ठीक है। हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस प्रेस को दिया गया था? ये दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को, ये दिया गया था, मैंने आपको तस्वीर के साथ बताया था। अगला देखिए, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? ये थे गोपी चंद हिंदुजा, इन्होंने अपने भाई का जो स्थान लिया है, गोपी चंद हिंदुजा ने अध्यक्ष बने हैं हिंदुजा समूह के। देखिए, G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था ये। हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुदान पंत को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछले क्वेश्चनों का रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आज हम रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से याद हो। कल पढ़ा, आज कुछ पढ़ोगे तो लगभग याद हो जाएगा। देखिए, देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के रूप में किन दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना गया था? तो आकाशवाणी था और दूरदर्शन दोनों थे। देखिए, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने दुग्ध संकलन साथी ऐप लॉन्च किया गया था, किसमें? डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए, तो बहुत अच्छा काम था। देखिए, आज के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं 21 जून से। देखिए, हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली बार पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? ये बनी है नुसरत चौधरी। कौन बनी है? नुसरत चौधरी। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, अमेरिका की सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। 46 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए UFS कोर्ट जज के रूप में काम करेगी। कहाँ पे जो है UFS कोर्ट जज है, यहाँ पे ये जो है नुसरत चौधरी काम करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनाया गया है, ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो आपको पता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बनाया गया? 21 जून को जो है योग दिवस बनाया जाता है। तो 21 जून को ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है, गया नहीं, ये कब बनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो 21 जून को विश्व योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखिए, हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अपने 9वें संस्करण में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए चुना गया थीम है योगा फॉर। तो 2023 की थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबक, ठीक है, जो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए हमारी सांझा इच्छा को प्रतिनिधि करता है। आपको ये जो है थीम याद रखनी है। अब की बार 2023 की थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबक, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया
चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है कौन सी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ बनाया गया है रवि सिन्हा को। देखिए मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। सिन्हा सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे जिनका 4 साल का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिन्हा की रो सचिव के रूप में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त को मंजूरी दे दी है। तो अब आपको याद रखना है कि जो खुफिया एजेंसी है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं रवि सिन्हा। इनसे पहले कौन थे? सिन्हा सामंत कुमार गोयल। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियनशिप कौन बने हैं? कौन सी है? इंडोनेशिया ओपन 2023 है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछा जाता है जो भी ओपन है 2023 के। इंडोनेशिया ओपन 2023 में किस युग में पुरुष युगल में कौन सा इन्होंने जीता है? कौन से है? सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी ने, इन दोनों ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो उपयुक्त तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी ने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष डबल्स चैंपियनशिप बने हैं। उन्होंने ओरोन जिया और सो वू यिक को हराया है। ठीक है, 2023 इंडोनेशिया ओपन 13 से 18 जून 2023 तक जकार्ता इंडोनेशिया के इस्तोरा गेलोरा बुग कार्नो में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए इजिप्ट ने किस देश को हराकर SDAT WSF सक्वेस विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मलेशिया ने। किसने जीता है? मलेशिया ने SDAT WSF सक्वेस विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। देखिए इसके मुख्य तथ्य की बात करते हैं। हम मुख्य तथ्य की बात करें, इजिप्ट ने मलेशिया को हराकर SDAT यानी तमिलनाडु स्पोर्ट्स विकास प्राधिकरण, किसका बनता है? SDAT यानी तमिलनाडु स्पोर्ट्स विकास प्राधिकरण और WSF यानी वर्ल्ड सक्वेस फेडरेशन सक्वेस विश्व कप चैंपियनशिप के रूप में मुकाबला जीता है मलेशिया ने। देखिए चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 17 जून तक तमिलनाडु के चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में किया गया था। मेजबान भारत और जापान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। देखिए भारत का स्थान और जापान का स्थान कौन से स्थान पर रहा था? इसमें तीसरे स्थान पर, और टॉप में कौन रहा था? मलेशिया ने टॉप में किया, इजिप्ट ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 6 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? ठीक है, क्या है कि जो भारत देश के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया था, वो थे फालू। फालू को क्या मिला हुआ है? ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, इनके साथ बैठकर इन्होंने क्या गाया था? गायन किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक फालू के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया जिसका उद्देश्य बाजरा के लाभों व वैश्विक भूख को संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। फाल्गुनी सहाय के नाम से मशहूर फालू अपने पति और गायक गौरव सहाय के साथ जो है एडवांस ऑफ मिलिट्स नाम से गीत जारी करेगी। एबॉन्डनेस क्या है? एबॉन्ड डांस। ठीक है, एबॉन्ड डांस ऑफ मिलिट्स। ठीक है, नाम से गीत जारी करेगी। बाजरा के महत्व को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 को बाजरा के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखिए कल के क्वेश्चन का जवाब आपने अच्छा दिया कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका जवाब है, किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर था तेलंगाना ने, जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया था तेलंगाना। ठीक है, और कल के क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए भारत के किस खिलाड़ी ने नेशनल कोलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया था? मुदित दानी ने, लक्ष्य सेन ने, नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपके पिक्चर के साथ दिया था, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिए। सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब दीजिए।
वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लेना। आज के जितने भी 21 जून के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे हमने आपसे चर्चा की है, और डेली वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।